हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय में कहा गया है, संसार सर्प दष्टानाम नराणाम पाप कर्मणा कादशी उपवासेना सद्य एवं सुखम भवेत। अर्थात संसार रूपी सर्पदष्ट पापी मनुष्य समूह जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है और इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है या इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसके पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे परम उच्च आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि यानी पापांकुशा एकादशी जो कि प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों के सुमेरु को नष्ट कर देती है। इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करती है और मृत्यु के बाद मनुष्य को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करवाती है। मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान प्रत्येक क्षण अनेक पाप और पुण्य कर्म करता है और इसी पाप और पुण्य के फल स्वरूप उसे सुख और दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटना उसके स्वयं के पूर्व या वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होती है और इस प्रकार जीवात्मा अनंत काल तक इस जीवन और मृत्यु के चक्र में विचरण करती रहती है। लेकिन इस जीवन मृत्यु और पाप पुण्य के चक्र से सदा के लिए मुक्त कैसे हुआ जाए, तो उत्तर सरल है, परम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर। जब भी कोई जीवात्मा भगवान को समर्पित जीवन जीता है या फिर भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करता है तो फिर उसे इस कर्मों के प्रभाव में नहीं फंसना पड़ता और श्री कृष्ण को समर्पित जीवन में एकादशी व्रत भी आता है। जी हाँ, यही एक ऐसा व्रत है जो परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। बाकी अनेक व्रतों के पीछे भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने की लालसा रहती है, लेकिन एकादशी तिथि शुद्ध रूप से परम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। उसका लक्ष्य भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करना और भगवान को प्रसन्न करना ही होता है। हाँ, इस एकादशी के फल स्वरूप मनुष्य को भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त अवश्य होते हैं, लेकिन वे मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो चलिए इस परम पवित्र पापांकुशा एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये हजारों वर्ष पूर्व की बात है। उस समय विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना अधिक क्रूर और घातकी था कि वह बड़े ही निर्दयता पूर्वक पर्वत के जंगलों में रहने वाले पशु और पंछियों की हत्या कर देता था और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काट कर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था और यमराज ने भी उसके लिए नर्क में स्थान निश्चित कर दिया था। अब संयोगवश एक दिन यूं हुआ कि उसे किसी तरह ये पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पापमय कार्य कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात स्वयं नर्क में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, कष्ट भुगतना किसे अच्छा लगता है, तो बस ये पता चलने पर शिकारी भी घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा क्योंकि नर्क का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तो वहाँ जाकर कष्ट भुगतना पड़े फिर तो कहना ही क्या। तो बस फिर इसी भय के मारे वह सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषिवर, आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप कर्म किए हैं, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की है और अब जीवन के अंत में मुझे ये ज्ञान हुआ है कि मैंने आजीवन कितना पापमय जीवन व्यतीत किया। हे ऋषिवर, पाप कर्मों की सजा स्वरूप नर्क के विषय में सोचकर मैं अब अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपया मेरी सहायता करें प्रभु। शिकारी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने उसे कहा, हे वत्स, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नर्क की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम इससे बच सकते हो और वो उपाय है अश्विन मास में आने वाली पाशांकुशा एकादशी व्रत का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो, भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो और निश्चित रूप से तुम इस पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण उदित हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार एक सामान्य शिकारी भी अपने जीवन के अत्यंत घृणित पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाया मात्र पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से। इस एकादशी का महत्व बताते हुए एक समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडव ज्येष्ठ, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और ये नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए फिर तो उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ करता है तब जाकर उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पाशांकुशा एकादशी से अर्जित पुण्य फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। इतनी पुण्य फल प्रदान करने वाली है ये एकादशी। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तब तक वह पापमय रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है, रात्रि में जागरण, कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन और सेवा करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ी, पिता की ओर से 10 पीढ़ी और पत्नी की ओर से पूर्व 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पापांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, कोई भी मनुष्य चाहे वो किसी भी जाति, लिंग और आयु का हो, लेकिन अगर वो निष्ठा पूर्वक मुझे प्रिय इस व्रत का पालन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषकर इस एकादशी के दिन जो दरिद्र व्यक्ति है उसे अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हम सब भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की कथा जानते हैं। वे इतने निर्धन थे लेकिन फिर भी वे अपने मित्र को भेंट देने के लिए तांदुल लेकर गए। यहाँ प्रश्न वस्तु है या नहीं है उसका नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या हमारे अंदर देने की इच्छा है। अगर हाँ तो फिर इतना निर्धन कोई नहीं होता कि व्यक्ति एक चावल का दाना भी ना दे पाए। तो इसलिए इस एकादशी का पारण करते समय व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए और जो धनी व्यक्ति है उन्हें ये सोचकर दान देना चाहिए कि उनकी ये समृद्धि उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों और बड़ों के आशीर्वाद का फल है, इसलिए उसे जन कल्याण में उपयोग में लेना चाहिए। तो ये थी आज की एकादशी कथा। इस कथा से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की ये हमें आज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाएं निरंतर लेकर आते रहते हैं और वो भी बिना किसी काल्पनिक मिश्रण और मिलावट के। तो अगर आप भी अपने सनातन धर्म की शिक्षाओं को यथारूप में सुनना और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करके हम इस समाज की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और इस कार्य में आप भी अगर अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से हमारा तो उत्साह बढ़ेगा ही, लेकिन आपको भी इस वैदिक धर्म के प्रचार का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो चलिए चातुर्मास के इस पवित्र समय में आने वाली परम पावनी पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।